नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी रेडियो पर मैं ऋषिता आपका स्वागत करती हूँ। फिल्म जगत के हर छोटे बड़े कलाकार ने बुरा वक्त देखा है। किसी का समय बदल गया तो कोई उस अंधकार से बाहर निकला नहीं, किंतु शायद ही ऐसा कोई परिवार आपको मिलेगा जिसका बुरा समय कभी रुका नहीं। उसी परिवार के लोगों के ऊपर अंधकार के काले बादल सदा छाए रहे, बजाय इसके कि उन्होंने फिल्मों में बड़ा मुकाम हासिल किया, पर फिर भी फूटी हुई किस्मत को लेकर उन्हें हर जगह ठोकर खानी पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाथ परिवार के बारे में। प्रेमनाथ, राजेंद्रनाथ और नरेंद्रनाथ, इन तीनों भाइयों में से नरेंद्रनाथ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कभी हास्य अभिनय नहीं किया। प्रसिद्धि के लिहाजे से नरेंद्रनाथ की झोली में कम कामयाबी आई, तो वही जनता को हंसाने वाले राजेंद्रनाथ ने खूब सारी सफलता देखी। बात प्रेमनाथ की करें तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने हीरो से लेकर चरित्र किरदार तक हर प्रकार के रोल किए थे। सबसे बड़े भाई प्रेमनाथ की बर्बादी तब से शुरू हुई जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। हुआ यूं कि वे बतौर हीरो बहुत अधिक पैमाने पर हिट हो चुके थे। उनकी पत्नी बीना राय भी उस जमाने की एक हसीन अदाकारा थी, और तो और घर में ही एक हास्य अभिनेता भी पल रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद की फिल्म कंपनी खोलने का फैसला लिया। इंडस्ट्री में आने से पहले वे तो बस राज कपूर के दोस्त थे, परंतु ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। और ऐसा वक्त भी आ गया कि प्रेमनाथ की फीस राज कपूर और देवानंद से भी ज्यादा थी। फिल्मों से उन्होंने खूब सारा धन अर्जित कर लिया था, परंतु इस धन को वे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर नहीं पाए। 1953 में उन्होंने प्रेमनाथ फिल्म्स की स्थापना तो कर ली, परंतु उसी साल उन्होंने अपने पूरे परिवार को लेकर शगुफा नामक फिल्म बनाई। उस फिल्म में राजेंद्रनाथ को अच्छी पहचान तो मिल गई, पर फिल्म जबरदस्त फ्लॉप हुई। परिवार के सारे पैसे डूब गए। उसके बाद भी प्रेमनाथ रुके नहीं। उन्होंने प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा, समुंदर और हमारा वतन जैसे फिल्मों का निर्माण किया। दुर्भाग्य से वे फिल्में भी फ्लॉप हुए। एक अच्छी बात ये थी कि बतौर हास्य कलाकार राजेंद्रनाथ का दौर शुरू हुआ और प्रेमनाथ खलनायक वाले किरदार करने लगे। साथ ही बीना राय भी अपने घर में व्यस्त रहने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान एक गलती से सबक ले लेता है, परंतु राजेंद्रनाथ ने भी अपने भाई जैसे गलती कर दी। कोई भी आकर उनसे पैसे लेकर जाता था। कुछ फिल्मों में उन्होंने पैसे भी लगाए, परंतु किसी ने भी उनके पैसे लौटाए नहीं। राजेंद्रनाथ अपने छोटे भाई नरेंद्रनाथ से बहुत प्यार करते थे। जब फिल्म जगत ने उनसे अलगाव किया, तब राजेंद्रनाथ ही उनकी देखभाल करते थे। बड़े भाई का देहांत होने के बाद छोटे भाई नरेंद्रनाथ भी चल बसे और राजेंद्रनाथ को एकाकी का सामना करना पड़ा। वे इस कदर अकेले पड़ गए कि उनके देहांत की खबर फिल्म जगत तक भी नहीं पहुंच सकी। अफसोस वाली बात यह भी थी कि प्रेमनाथ की संतान को भी सफलता नहीं मिली।